कोतवाली में 26 अप्रैल को एक प्रांतीय है धवल शर्मा, उसने अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, उनके पिताजी ने करवाई थी कि उसके लड़के के साथ मारपीट हुई है और चाकू लगा है, जिसमें कि उसके जो परिचित थे उनके यहाँ वो एक गोकुल रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, अमित चौधरी, सूरजमल और अशोक चौधरी, इन तीन के साथ धवल शर्मा बैठा था, जिसपे उसकी कोई कहा सुनी हुई आपस में, और उनमें से जैसा FIR में रिपोर्टेड है अशोक चौधरी ने कहा कि इसको चाकू मार दिया, जिस पर सूरजमल ने उठाकर उसको चाकू मार दिया। उसके बाद उनमें से इन्होंने किसी ने भी उसको हॉस्पिटलाइज नहीं करवाया, कोई उसकी देख रेख नहीं करी और वहाँ से भाग गए। इसमें प्रार्थी ने मुकदमा दर्ज करवाया, मुकदमा दर्ज 323/41 में हुआ। ये उसी समय से जो है, क्योंकि ये दो आरोपी जो हैं अनिल चौधरी और अशोक चौधरी, इनके मामा जगदीश प्रसाद कोतवाली थाने में ऐसे तैनात थे, जिसकी वजह से ये मुकदमा शुरू में ही 323/41 में कराया गया। उसके बाद इसमें सूरजमल को 151 में इन्होंने डिटेन किया मौके पर, जो टीम गई थी, लेकिन उसको बाद में इसमें अरेस्ट नहीं किया गया, 307 में जोड़ी गई, जबकि उसके खुद के बयान कहते हैं कि ये बच गया, आज मैं इसको मार देगा और आगे भी मैं इसको छोड़ूंगा। इसके बावजूद उस प्रकरण में कोई तरक्की नहीं हुई, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, और परिवादी को बाद में इन्होंने प्रेशराइज करके केस वापस लेने के लिए कहा या राजीनामा करने के लिए कहा। प्रार्थी क्योंकि परिचित था, इन्होंने इसको हाउसिंग बोर्ड चौकी इलाके में बुलाया, और राजीनामा नहीं होने पर महावीर और अशोक चौधरी, ये दो आदमियों ने इसका प्रार्थी धवल शर्मा का पैर तोड़ दिया। ये 6 मई की बात है, और उसके बाद से 6 मई से 16 मई तक ये थाने पर गए हैं, 2-4 बार गए हैं, क्योंकि इनको लगता था कि हमारे पुराने प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके बाद जब 16 मई को ये SP ऑफिस में आए, तो मैंने इनका परिवार सुना और इसमें एक दूसरा मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा, क्योंकि आरोपी का दोबारा से पैर तोड़ा गया। तो दूसरा मुकदमा होने पर मैंने दोनों मुकदमे SHO रतन सिंह जी को दिए कि दोनों की तफ्तीश वो करें और आरोपी गण को जल्द से जल्द हिरासत में लें। उसके बावजूद अगले लगभग 10 दिन तक कोई प्रगति नहीं हुई। मेरे संज्ञान में आने के बाद कि जो आरोपी हैं उनके मामा जो है स्वयं कोतवाली में पहुंचे हैं, तो उनको पाबंद किया गया कि आप इसमें जो है SHO साहब की सहायता करें और उनको बताएं कि ये आरोपी कहाँ हैं।